मेरे पिताजी के पिताजी के पिता... तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी इस लड़की के पिताजी के पिताजी के पिताजी रिश्ता जोड़ दिया। ये परिवार हमेशा साथ रहे। तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के परिवार में एक लड़का हो या लड़की, इस लड़की के पिताजी के पिताजी के परिवार में लड़का हो या लड़की जो पैदा हुआ दोनों की आपस में शादी करवा देंगे। लेकिन विधि का विधान देखो, यहाँ एक लड़का यहाँ एक लड़की, यहाँ पर एक लड़का यहाँ पर एक लड़की। तुम्हारी पुश्तों की कहानी सुनकर मैं क्या करूँ बताओ? यहाँ पर एक लड़की ही पैदा हुई, तभी तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी की आस पर तुम इस लड़की के पिताजी के पिताजी के पिताजी की आस से ये लड़की पैदा हुई और तुम दोनों शादी करने जा रहे हो। ये फैसला तुम्हारे पुरखों ने कर दिया। अब तो बोलो कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। वही तो मेरे पिताजी के पिताजी के... मैं जा रहा हूँ। तुम सुनो, मैं 15 साल की उम्र में बालिग हो गई थी और इस समय मैं 21 साल की हूँ। 16, 17, 18 6 साल हो गए, समझे? समझा ना। डेली मेरे आगे पीछे 5 लोग घूमते हैं और कम से कम 2 लोग लव लेटर देते हैं। 3, 4 तुम्हारे दिमाग में तो गुस्सा भरा है। इनमें से ना जाने कितने शरीफ लोग होंगे, लेकिन जानवी ने आज तक उन्हें घास तक नहीं डाली। जब कभी भी तुम्हारी आंखें नशे में रही, मुझे तो तुम्हारे ऊपर मर मिटने का दिल किया है। पता है, लापरवाह सा रहने वाला तुम्हारा ये स्टाइल, 4 दिनों तक बिना शेव की हुई तुम्हारी ये दाढ़ी, कॉलेज बॉय की तरह तुम्हारी ये बॉडी, तुम्हारा डांस, तुम्हारी फाइट, ये सब कुछ देखकर ही तो मैं तुम्हारे ऊपर दिलो जान से मरने लगी हूँ। स्टूपिड स्टूपिड। हमने जो प्लान बनाया था उस प्लान के मुताबिक जानवी को मुझसे प्यार हो गया है। अब मुझे आगे क्या करना है? वेरी गुड, एकदम सही रास्ते पर जा रहे हो। अपना अगला जो स्टेप है उस पर आगे बढ़ो। गो अहेड। ओके ओके। शादी करोगी मुझसे? उसके लिए मेरे पिताजी से मिलना पड़ेगा। ओके, चलते हैं उनसे मिलने। ये काम इतना इजी नहीं है। मेरे पिताजी कहाँ होंगे वही जानते हैं। वेरी बिग बिजनेसमैन। भाई जेडी। Brother, Jody. Hi, Sham. Hello, friends. How are you? Good. 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 How are you being, Jerry? Long time. No see. Any news? हमारे आदमी राका को किसने मारा है? हमारे बिजनेस से जुड़ा कोई भी आदमी इंडिया में नहीं है, बट राका अगर पुलिस के हत्थे पर चढ़ गया होता तो हम सभी लोग पुलिस के चंगुल में फंस जाते। सो राका को किसी ने मार दिया है हम लोगों के लिए अच्छा ही हुआ है, लेकिन राका को क्यों और किसने मारा है ये बात अभी तक पता नहीं चल सकी। मुझे पता है, सिर्फ 3 लोग हैं, उनमें से एक चला गया, बाकी बचे 2 लोग, उनमें से एक को उठा लेते हैं तो बचता है सिर्फ एक, और उसको खत्म कर दिया तो सॉरी माय फ्रेंड्स, आई एम रियली वेरी सॉरी। राका को तुमने मारा ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी, मैं टेंशन में आ गया था, लेकिन तुम्हें मुझ पर शक था इसलिए मेरे पीछे एक आदमी लगा रखा था, और इस तरह कंफर्म हो गया कि तूने नहीं मारा, मैंने भी नहीं मारा। अगर हम दोनों ने नहीं मारा तो
राका को किसी और ने ही मारा है। सॉरी जेडी, तुम्हारे ऊपर शक करके ही मैंने ही तुम्हारे ग्रुप में आदमी रखा था। ओ कम ऑन, फ्रेंडशिप में क्या सॉरी और क्या थैंक्स, सब इट्स ओके। व्हाट यू से जेंटलमैन? करेक्ट, राका की जगह इंडिया में भरोसे का आदमी सेट करना चाहिए, पर हम लोग ये सब छोड़कर आपस में क्यों लड़ रहे हैं ब्रदर? 25 सालों से चलते हुए हमारे ड्रग्स और आर्म्स के नेटवर्क को ऐसे ही कट नहीं होने देंगे। राइट, मेरे 25 साल के भरोसेमंद साथी को मैं देने जा रहा हूं शानदार प्राइस। थैंक यू श्याम, बट यू नो समथिंग, मैं कभी भी बिना मकसद के कहीं नहीं आता। यकीन बनाए रखने के लिए ये तोहफा। रॉन्ग इंफॉर्मेशन के लिए थैंक यू माय फ्रेंड। इट्स ओके, बाय। बॉस, हम लोगों की जानकारी के बिना उसके ग्रुप में एक आदमी? ए पागल, उसने हमारे ग्रुप में अपना आदमी रखा, अगर हम लोग भी ऐसा करेंगे तो क्या उसे अच्छा लगेगा? इसलिए उसके आदमी को हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दिया। हाय डैड, हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू? डैड, आई मिस यू। आई मिस यू टू। क्यों बेटा, बहुत खुश लग रही हो, कारण क्या है? बॉयफ्रेंड? Hey, cool dad. That's your dad. Can I speak to that lucky boy? Sure, one sec. ये लो बात करो। Hello uncle. Hello. Congrats young man. Come to Munich. Dad is always security conscious. Welcome home, darling. Dad. Hi, Dad. How are you? I'm fine. Yeah. Dad, this is Lucky. Lucky. Hi, uncle. Hi, nice name. Thanks. Dad, आप लोग बातें कीजिए, मैं बस अभी आती हूँ. Yeah, 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 yeah. Please. $100 million एम्पायर और एक ही एक मेरी लड़की है जानवी, और उसकी शादी मैं तुमसे करा दूं? नो चांस। यू मस्ट बी किडिंग। ठीक है, मेरी लड़की से बात न करने और उसकी जिंदगी से दूर जाने के लिए क्या चाहते हो? एक ब्लैंक चेक दे दूं? जे डी, तू मेरी लड़की के साथ आया इसलिए अभी तक जिंदा है, वरना मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स। गुड, रखी हुई जगह भले ही गलत हो लेकिन गड्ढा बराबर रखा है। इसको चेक करके किसने छोड़ा? सर, चाकू को बेल्ट में रखकर लाया था, कोर्ट में छोड़े हो। मैं ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहता। क्या क्या बोल रहा था मैं? यस, गड्ढा बराबर रखा हूं। और मेरी लड़की से शादी करने की तेरी औकात क्या है? IIT खड़गपुर में एमटेक खत्म करने के बाद सीधे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैं MBA करने के लिए यहां आया हूं। आप है सवाल पूछने वाले ज्ञानी पुरुष और मैं उसका जवाब देकर सीन की वाट लगाने वाला। अब पता चल गई ना मेरी औकात। चलो, अब रात की बात पूछ रहे हो तो मैं अपनी हकीकत बता देता हूं। तुम्हारा सबसे काबिल और भरोसेमंद आदमी राका, उसे मैंने ही मारा है। इतना काफी है या कुछ और बताऊं? जानता हूं पैसों के लिए किसी को भी मार सकते हो। राका को मारने के लिए तुम्हें किसने पैसा दिया था? मैं मरने वाले का पता नहीं रखता, पता उसका रखता हूं जिसे मैं। Hey,
मेरे सवालों का जवाब ना देने वाला आज तक यहाँ से जिंदा नहीं गया। लेकिन मैं जाकर दिखाऊंगा। आई लाइक योर गर्ल्स। मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अब आगे क्या प्लान है? आगे का प्लान शुरू होता है होटल चाइना गेट।